हेलो गाइस, स्वागत है आपका रिशन फायर की एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं जावा के स्टैंडर्ड वेरिएंट। हेलो गाइस, स्वागत है आपका रिशन फायर की एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं जावा के स्टैंडर्ड मॉडल की डुअल चैनल एबीएस वाले वेरिएंट की ईएमआई डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले ऑन रोड प्राइस की बात करें तो दिल्ली के अंदर इस बाइक की ऑन रोड प्राइस आ रही है 2,11,340 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे 12.5% ले लिया, जो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। डाउन पेमेंट हम यहाँ पे जो ऑन रोड प्राइस का लगभग 20% कर देते हैं, यानी कि हम जो है 42,000 रुपये डाउन पेमेंट कर देते हैं। अब आप जो है 20,000 रुपये डाउन पेमेंट देने के बाद अगर आप लेते हो 3 महीने के लिए ईएमआई पे, तो आपको हर महीने जो है 57,627 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। 6 महीने के लिए 29,261 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। 9 महीने के लिए 19,809 रुपये की इंस्टॉलमेंट हर महीने आपको देनी पड़ेगी। जबकि अगर आप लेते हो 1 साल के लिए, यानी कि 12 महीने के लिए, तो आपको हर महीने 15,085 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। 15 महीने के लिए 12,253 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। 18 महीने के लिए आपको जो है 10,366 रुपये हर महीने इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। 21 महीने के लिए आपको जो है 9,020 रुपये हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। जबकि आप लेते हो 24 महीनों के लिए, तो आपको जो हर महीने 8,011 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। 27 महीने के लिए आप लेते हो तो 7,228 रुपये की इंस्टॉलमेंट हर महीने आपको देनी पड़ेगी। 30 महीनों के लिए अगर आप लेते हो तो हर महीने आपको 6,602 रुपये की इंस्टॉलमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि हम भाई 33 महीनों के लिए लेते हैं, तो आपको जो है 6,090 रुपये की इंस्टॉलमेंट हर महीने देनी पड़ेगी। 36 महीने के लिए, यानी कि आप लेते हो 3 साल के लिए ईएमआई पे, तो आपको हर महीने 5,665 रुपये की इंस्टॉलमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। 39 महीने के लिए आप लेते हो तो 5,306 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। 42 महीने के लिए 4,999 रुपये की इंस्टॉलमेंट हर महीने देनी पड़ेगी। 45 महीनों के लिए 4,733 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। 48 महीने के लिए, यानी कि 4 साल के लिए अगर आप लेते हो, तो आपको हर महीने 4,501 रुपये की इंस्टॉलमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। और 51 महीने के लिए आप लेते हो तो 4,297 रुपये की इंस्टॉलमेंट हर महीने आपको देनी पड़ेगी। 54 महीने के लिए 4,116, 57 महीने के लिए 3,955, और 60 महीने के लिए अगर आप लेते हो ए, यानी कि 5 साल के लिए, तो आपको हर महीने 3,810 रुपये की इंस्टॉलमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ईएमआई चार्ट जावा का, कि ऑन रोड प्राइस हमारी 2,11,340 रुपये थी, डाउन पेमेंट हमने जो है 42,000 रुपये उसमें से कर दिया, तो ये हमारी मंथली जो है वो ईएमआई बन चुकी है 3 महीने से लेकर 60 महीने तक। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जैसे जैसे हमारा जो लोन का वो पीरियड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मंथली ईएमआई जो हमारी कम होती जा रही है। देखो, कहाँ 3 महीने अगर आप लेते तो 57,000 रुपये हर महीने देने पड़ते, वहीं 5 साल के लिए लोगे तो 3,810 रुपये मात्र देने पड़ेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लंबे टाइम के लिए लो, क्योंकि ईएमआई कम है, क्योंकि जितने लंबे टाइम तक आप लोन को खींचोगे, इंटरेस्ट जो है उतना ज़्यादा हमें देना पड़ेगा, और जितने कम से कम समय के लिए लोगे, उतना जो है इंटरेस्ट हमारे को जो है कम आएगा। तो आई होप कि आपको जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना इस वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।